हाँ दोस्तों, बात सच है। एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर से शादी कर ली। ये दुल्हन का नाम है अनुराधा चौधरी और दूल्हे का नाम है संदीप। ये दोनों गैंगस्टर्स हैं। आप सही सुन रहे हो, ये संदीप जो है वो दिल्ली से है। उसके ऊपर ऑलमोस्ट 76 केसेस हैं रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस, किडनैपिंग, किलिंग, मर्डर्स, सो मेनी केसेस। यस, 76 केसेस है उस पर। और ये जो लेडी डॉन है चौधरी, अनुराधा चौधरी, उन पर अभी तक 12 केसेस है रिलेटेड टू किडनैपिंग, क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब पैसा खाना और पैसे का फ्रॉड करना, इससे रिलेटेड 12 केसेस है। तो हो गई ना गैंगस्टर की गैंगस्टर से वेडिंग। यस दोस्तों, आज ही हो गई है। और आपको और एक बात, ये गैंगस्टर जो है संदीप जी, वो 2021 में पकड़े गए। 2021 से वो जेल में थे। अभी 4 मार्च को उनको बेल मिल गई शादी के लिए। और आपको पता है ये शादी कैसे हुई? 250 पुलिस फोर्स के लोग थे वहां पर शादी के वक्त, ताकि ये गैंगस्टर और ये गैंगस्टर भाग ना जाए। अजीबोगरीब शादी है, लेकिन हो तो चुकी है। तो आइए देखते हैं गैंगस्टर रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी। सबसे पहला वर्ड है थग्स। थग्स मतलब द पर्सन हु इज एंगेज इन वायलेंट थिंग लाइक मर्डर, क्रिमिनल केसेस एक्सेट्रा, तो इसे थग बोला जाता है। तो ये संदीप जी और अनुपमा जी थग्स है। और हमारा सेंटेंस आएगा, द गर्ल वॉज अटैक्ड बाय 2 थग्स। मतलब उस लड़की पर 2 थग्स ने, माने क्रिमिनल पर्सन ने हमला किया। थग्स का मतलब क्रिमिनल पर्सन हु इज कमिटिंग। आगे का वर्ड है माफिया। आपने सुना होगा माफिया का मतलब, ना ना ना, इसमें एक पर्सन नहीं होता। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन किडनैपिंग, गैम्बलिंग, अटैकिंग, रॉबरीज, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑल द केसेस। मतलब ये सारे लोग, एक ग्रुप होता है जो गलत चीजें करते हैं, इन्हें माफिया बोला जाता है। और अभी ठग्स और माफिया में फर्क क्या है? ठग्स है वो इक्का दुक्का होते हैं, और माफिया जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। और ये शादी जो है ना, ये दोस्तों सचमुच हो गई दिल्ली में। जस्ट इमेजिन, 250 पुलिस फोर्स है उनके सामने ये दोनों ने फेरे लिए। डेमोक्रेसी है भाई, शादी का तो हक है। पता नहीं ये बाद में फिर से जेल जाएगा क्योंकि ये बेल पे छूटा है।